गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जय गुरु जी। वेलकम बैक टू प्रिया बलदेव। जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, हमें पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक जरूर करा करो वीडियो को, कमेंट करा करो कि कहाँ से आप लोग देख रहे हो, तो और अच्छा लगेगा। एक फैमिली के साथ और लोग जुड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। तो जी, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ, आज बना रही हूँ रोंगी की सब्जी। हमारे यहाँ इसको रोंगी बोलते हैं, मतलब मेरे ससुराल में, और मायके में इसको बोलते हैं लोबिया। आप लोग बताइएगा आपके। देखो मैं दिखाती हूँ कौन सी वाली सब्जी है, ये वाली, ये है ना ये। आप लोग बताइएगा आपके उधर, आप लोग बताइएगा आपके उधर इसको क्या बोलते हैं। मेरे ससुराल में रोंगी बोलते हैं और मायके में लोबिया बोलते हैं। और जब मैं पहली बार शादी करके गई तो वो लोग जब रोंगी बोलते थे तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये कौन सी सब्जी को बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हर स्टेट वाइज सब्जियों के नाम बनाने का तरीका अलग होता है। अब देखो, जैसे हमारे मेरे मायके में ना प्याज टमाटर का तड़का लग के लोबिया, जैसे प्रॉपर हम राजमा बनाते हैं वैसे बनता था। लेकिन मेरे मायके में देखो, मेरे ससुराल में देखो ये ऐसे दही वाली बनती है, ये देखो ये दही डाल के बनती है, और जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, कड़ी जैसी लगती है। तो मैं ये दही वाली ही बनाती हूँ। और अभी ना यूवी को लेने जाने का टाइम भी हो रहा है, और पता नहीं क्या यार, जब छुट्टी का टाइम होता है उसी टाइम सारे बादल आ जाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं गिर गई थी ना, तब से मुझे इतना डर लगता है। अब जाके मेरा कमर का दर्द थोड़ा ठीक हुआ है, टच करने पर तो अभी भी दर्द होता है। और आज बताऊँ मेरे साथ एक चीज़ और क्या हो गई। अभी थोड़ी देर पहले युवराज के स्कूल से फोन आया कि मैम यूवी के, तो युवराज के ना पेट में दर्द है, आप उसको ले जाइए। मैं फटाफट भागी, मैंने कहा यार इतने दिनों बाद वापस से पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, वापस से भागी। क्योंकि अभी बड़े दिनों से युवराज ठीक चल रहा था, चलो वो दांत वाली तो अलग चीज़ है, बट वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वरना आप लोगों ने देखा था पीछे, कभी उसको बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ ना कुछ जुकाम, कुछ ना कुछ लगा रहता था। टचवुड, अभी बड़े दिन से उसको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो मैं हो गई, मैंने कहा यार आज फिर से ये पेट दर्द आ गया। जब मैं वहां स्कूल में लेके गई तो वो लोग बोलते हैं जी आप क्यों आए। मैंने कहा आपने फोन किया था। बोले नहीं हमने तो नहीं किया था। वो क्या हुआ, वो दूसरी भी इनकी तीन चार ब्रांचेज है, किसी और ब्रांच के किसी और बच्चे को बुलाना होगा युवराज, उनके पास पता नहीं कहाँ से नंबर मेरा था, मेरे को कॉल कर दिया। कि मैंने कहा यार मतलब आज दिमाग खराब हो गया। तो थैंक गॉड वो तो ठीक था, फिर मैं उसको छोड़ाई थी। बस अब लेने जाने वाली हूँ, अभी फिर से बारिश का टाइम हो गया तो अभी लेकर आती हूँ। तो बट हाँ, मैं ना आप लोगों को बताऊंगी, अगर किसी को पता, घर में अगर आपके छोटे बच्चे और बहुत जल्दी जल्दी अगर वो बीमार हो रहे हैं ना, तो मैं उसके लिए आपको एक बताऊंगी भी कि मैंने क्या युवराज के लिए मंगाया था, मैंने उसको क्या देना स्टार्ट किया है जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। देखो अपने अपने विश्वास की बात होती है, बोलते हैं ना डॉक्टर और इन पर विश्वास की बात है। मेरे को ऐसा विश्वास है, जब से मैंने इसको वो देना स्टार्ट किया है ना, तब से इसका इम्यूनिटी बढ़ी है, तब से इसका, वरना युवराज बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब बहुत रहता था, बट जब से मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको वो देना स्टार्ट किया है ना, तब से युवराज का बहुत फ़र्क है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं उसको स्कूल से ले आऊँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको क्या देना स्टार्ट किया था, और आप भी उसको मंगा सकते हो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। तो मैं पहले सब्जी बना के युवराज को लेकर आती हूँ। तो जी अब मैं आ गई हूँ यूवी को स्कूल से लेके, और अब यूवी को खिला रही हूँ मैं खाना। हेलो बोल दो दोस्तों को। हाँ तो बस जी अब पहले इसको खाना खिला लेते हैं। और यहाँ पे बारिश बन गई एकदम से, इतने घने बादल आ गए हैं ना, बिल्कुल काला हो रहा था। अभी खूब तेज बारिश आने वाली है, बस वंचित आ जाए घर पे कि वो पहुंच जाए, वरना बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ जी, तो अभी हो गया है शाम का टाइम, बच्चे आ गए थे सो गए। अभी दोनों बच्चे ना अपने मामू के साथ गए हैं इंडिपेंडेंस डे पे जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, उसके लिए ड्रेस चाहिए दोनों को ही, कोई ना कोई, तो वो ड्रेस लेने के लिए गए हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों से बात करी थी कि मैं क्या यूवी को देती हूँ जिससे कि इम्यूनिटी उसकी बड़ी है, या मुझे, देखो ये अब चीज़ें क्या होती हैं, ये ना बिलीव सिस्टम पर होती हैं। आप किसी चीज़ पर बिलीव करो बोलते हैं ना, वो आपको लगता है। जैसे डॉक्टर होते हैं, आपने सुना होगा कभी कोई बोलता है अरे ये डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा है इसकी दवाई, और वहीं पर कोई और बंदा होता है जो बोलता है अरे ये डॉक्टर की दवाई तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये होती है लगने पे और बिलीव सिस्टम पे। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने जब से युवराज को ये देना स्टार्ट किया उसकी इम्यूनिटी बढ़ी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या मैं देती हूँ उसको। देखो ये
ये ना बेबी ऑर्गेनो एक कंपनी है, उसकी ये ड्रॉप्स हैं। ये ना मुझे इंस्टा पे दिखा था इनका एड, तो मैंने वहाँ से ये मंगाई थी। अब ये ना अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपको कहीं और ओवर द काउंटर या ऐसे किसी केमिस्ट के पास शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड देखा था, वहाँ से मंगाई थी। बट ना पता नहीं क्यों, जब ऐसे देखो बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स के आते रहते हैं, और पता नहीं क्यों जब मैंने इसको देखा ना, मुझे मन किया कि मैं इसको मंगाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने यूवी को ये देना स्टार्ट किया, यूवी में बहुत चेंज आया है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि वो ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ज़्यादा मतलब मुझे अब वही बोलते हैं ना, वैसे ही है था या इसकी वजह से मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगता है कि इसकी वजह से हुआ है। अब मैं अगर आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, तो ये है बेबी ऑर्गेनो के बाल प्राशन स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स। एक्चुअली ये स्वर्ण प्राशन मतलब स्वर्ण, मतलब जैसे आप जानते हैं सोना, कि इसमें सोना होता है, मीन्स सोने का जो भस्म या जो कुछ भी होता है, तो ये स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स होते हैं। ये आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर है बच्चों के लिए। और एक चीज़ और बताऊँ, इसमें लिखा है जैसे कि 100% आयुर्वेदिक है, और साथ में ना इसका जो बेनिफिट्स हैं, अगर मैं आपको वो बताऊँ, तो अगर मैं इन ड्रॉप्स की बात करूँ कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसमें क्या है, इसमें बूस्ट, अच्छा मैं ना यहाँ पे दूसरा मेरा फ़ोन है, मैं उसमें ये पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसे पता चलेगा। इसमें है देखो, बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, एनहेंस मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, हेल्प्स टू रिकवर बॉडी फ्रॉम इलनेस, इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट एपेटाइट, हेल्प प्रिवेंट बेड वेटिंग इन किड्स, नेचुरली नरिशेज द स्किन, हेल्प्स टू इंक्रीज ओवरऑल हेल्थ एंड बेबी ग्रोथ। मतलब देखो इसमें इतने सारे बेनिफिट हैं कि लाइक आपके बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाएगा, बीमारियों से भी बचाएगा, उसको एक्टिव बनाएगा। जिन बच्चों को बेड वेटिंग, मीन्स कई बच्चे क्या होते हैं जो बेड पे सुसु वगैरह कर देते हैं, उस चीज़ को भी ये करेक्ट करता है। फिर उसके साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, एपिटाइट बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स थे। मैंने यही सब देख के, क्योंकि ओ क्या होता है बच्चों के अंदर यही सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स को, जैसे यूवी की थी, बीमार ज़्यादा रहता था, खाना कम खाता था, एक्टिव कम था। मुझे ऐसा लगता है मैंने जब से यूवी को ये देना स्टार्ट किया है ना, तो यूवी ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उसकी भूख बढ़ी है। मतलब मुझे जो ये चीज़ क्लेम करते हैं ना, मुझे वो सब चीज़ों में यूवी का डिफरेंस नज़र आता है। देखो उसके दांत का इशू है, पर दांत का इशू एक ऐसी चीज़ है, वो अलग है, वो कोई बीमारी नहीं है। वो उसके ऑलरेडी दांतों में कैविटी थी, वो उस वजह से हो रहा है, बट वो बीमारी नहीं है। बट जैसे यूवी को बार बार बुखार होता था, खांसी जुकाम ये सब रहता ही रहता था, वो नहीं काफ़ी टाइम से हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, अब वेदर चेंज होता है बट स्टिल बच्चा बार बार जो बीमार पड़ रहा है ना, वो नहीं होता। और इसका ना देने का एक स्पेशल तरीका भी होता है, मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है। इसको ना इसका ना एज वाइज क्राइटेरिया होता है देने का, इसको देने का क्या तरीका है, अगर एक साल तक का बच्चा है ना आप, तो एक नक्षत्र, इसमें ये एक चीज अलग सी है जो मुझे बड़ी लगी थी, एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, ये सिर्फ उस दिन ही बच्चे को देना है, बोलते हैं उस दिन ही देने से बच्चे का, उसका आप ना एक काम करना, एक जाके ना एक बार इनकी साइट पे या वो विजिट करना, वहाँ पे पढ़ लेना, आपको पूरा वहाँ पे मेंशन होगा कि ये पुष्य नक्षत्र का और इस ड्रॉप का क्या लिंक है। तो एक साल तक के बच्चे को तो आपने क्या करना है, सिर्फ पुष्य नक्षत्र जब होता है उस दिन आपने ड्रॉप पिलानी है। अगर आपका जैसे 4 साल तक का बच्चा है, तो आप उसको एक ड्रॉप डेली दे सकते हैं। जैसे मैं यूवी, अभी मेरा यूवी 4 साल का है, तो मैं उसको एक ड्रॉप डेली दे देती हूँ। फिर अलग अलग आती है, जैसे 5 से 10 साल है तो 2 ड्रॉप से दो, 10 से 15 है तो 3 ड्रॉप, इस तरह से इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। और बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, बट फिर मुझे ऐसे लगा बहुत सारी मदर्स मेरे जैसी होंगी जो बहुत परेशान रहती हैं कि बच्ची की बीमारी को लेके, उसकी इम्यूनिटी को लेके, तो अगर किसी एक कोई देख के उसको हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो सिर्फ डाल रही हूँ। और मैं आपको फिर से बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी मैं इतना मेरे को कोई वो नहीं है कि जो मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियोज आते हैं ये मैं खुद खरीदती हूँ। कई लोग कॉमेंट कर देते हैं अरे स्पॉन्सर्ड, अरे थोड़ा सा अगर आप लोग
पहले एजुकेट हो जाओ, आप समझ जाओ यूट्यूब को, फिर बोला करो। यूट्यूब ऐसे ही सब स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, हाँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे भी आएंगे, मैं करूंगी, बट अभी मैं आपको बताती हूँ ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है, ये मैं पर्सनली खरीदा है। और इसका रेट बता दूँ, इसका ना जो रेट है वो चेंज होता रहता है, साइट पे ऑफर्स आते रहते हैं। जब मैंने लिया था तो मुझे 500 का पड़ा था, बाकी ऑफर्स चलते रहते हैं। आप साइट पे जब इनकी जाओगे, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना, आपको साइट में ऑफर पता चल जाएगा कि अभी एक्चुअल इसका प्राइस क्या है। मुझे नहीं पता क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं कोई इतना डिटेल्स नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप खुद जाके वहां पे पढ़ लेना। बट अगर हाँ किसी को लेना हो अपने बच्चे के लिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत फर्क लगा है, आप लोग आप देख सकते हो। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए। तो बस अभी अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा है। फिर मिलूंगी आपसे। मेरा देखो एम यही है, मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब इस पे ना व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, क्योंकि मैं जितना रियल वीडियोस आपको दे सकती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है उतने रियल वीडियोस के, कोई स्पॉन्सर नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो एक ऐसा हाउसवाइफ जो मैं फील करती हूँ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे अपना दिन बिताती है, जो वो घर में करती है, मैं जितना रियल हो सकता है उतना रियल देती हूँ। बट फिर भी जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बुरा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करा करो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, रियल लगते हैं, आप रिलेट कर सकते हो तो सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो आप कहाँ से हो, कहाँ से सब्सक्राइब किया है, कहाँ से देख रहे हो। फिर मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, जय गुरु जी।